हेलो एवरीवन, मैं आपका स्काई सर। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर से है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आज ही आया है आपका 24 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो ध्यान से देखिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ क्लास में 22, 23, और ये ऐसे है। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 22 CR इंटू, ये बताया था कि NCR को NCN-R भी लिख सकते हैं, बोलो ऐसा बताया था कि नहीं। और इसके बाद इसमें लगा हुआ है सिग्मा, आर की वैल्यू 0 से लेकर के 22 तक। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, और इन दोनों को देखो। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, 22 + 23 ऊपर हो जाएगा सी, और आर और 23 - R में वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखो R + 23 - R, सो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 45 C 23। कोई कन्फ्यूजन? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये क्लास नोट्स में करवाया गया है। 11th क्लास जाके क्लास नोट्स चेक करें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी जस्ट उसके आगे करवाया गया था। सिग्मा R = 0 से लेकर 20, 23 R² ·2023 CR की वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अल्फा कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कम्प्लान पिलाएंगे आप लोगों को, बता रखा है वहाँ पे डायरेक्ट, इस पे क्वेश्चन करवाया था R = 0, जिसको ये याद होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को जल्दी कर लिया होगा, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसको करने का क्या तरीका बताया था कि N × 2⁻⁻⁶ होता है प्लस N × (n-1) 2⁻²। अगर ये हॉर्लिक्स है आपका, ये आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से केवल वैल्यू पुट करना था, ठीक है। तो n की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या रख दे, n की वैल्यू है 20, 23, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा r की वैल्यू 0 × 20, 23 R² 20, 23 CR। इस साइड क्या हो जाएगा, ये 2023 × 2⁻⁰ + 2023 × एक कम हो जाएगा तो 2022 × 2⁻⁰. किसी को कोई कन्फ्यूजन? यहाँ से हम 2023 × 2022 2⁻² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगा 1, और इस साइड आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 1011। सो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, 2023 2⁻²⁰ × 1012। तो 1012, यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1012। हेंस अल्फा जो है वो 1012 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू ये, क्योंकि वो ये डिराइव नहीं कर पाए होंगे, और बहुत सारे जगह चांसेस है कि ये गलत हो जाए, इसलिए इसको मैं लेता हूँ मीडियम क्वेश्चन में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है ये, ठीक है, तो मीडियम और डिफिकल्ट के बीच में। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।